आपको तो पता ही होगा कि जब से शेयर इट बंद हुआ है तब से वीडियो और ऑडियो को भेजने में कितना कठिनाई होता है। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्ले इट से आप अपने वीडियो और ऑडियो को किसी दूसरे मोबाइल में कैसे शेयर कर सकते हैं, यानी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप प्ले इट से अपना वीडियो या मूवी कोई भी चीज़ को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो इससे पहले आप जान लें कि मैं मंटू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हब मंटू। तो चलिए जानते हैं कि प्ले इट से कैसे ऑडियो और वीडियो को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्ले इट ऐप को ओपन कर लें, और प्ले इट ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको नीचे में यहाँ पर एक मी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पर मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में ही एक फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, और फाइल ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अगर इस मोबाइल से किसी और मोबाइल में भेजना चाहते हैं तो आप सेंड पर क्लिक करेंगे। आप जिस मोबाइल में उस वीडियो और ऑडियो को रिसीव करना चाहते हैं उसमें आप रिसीव पर क्लिक करेंगे। तो सिंपली मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, और सेंड पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी ऑडियो वीडियो को भेजना चाहते हो उसको टिक लगा ले, यहाँ से टिक कर ले, और टिक करने के बाद यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर दे। और सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा। सिंपली आप यहाँ से सभी को आप परमिशन दे दे, और परमिशन देने के बाद और सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप जिस स्मार्टफोन में भेजना चाहते हैं उसे स्मार्टफोन का QR कोड स्कैन कर ले, और स्कैन करने के बाद फोटो और वीडियो मूवी उस मोबाइल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप भी 2024 में प्ले इट से मूवी या वीडियो को भेज सकते हैं।